SBI योनो ऐप की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मोबाइल रिचार्ज करना। योनो ऐप की सहायता से आप बहुत ही आसानी से प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास SBI में खाता और SBI योनो ऐप होना आवश्यक है। योनो ऐप डाउनलोड करना और उसमें रजिस्टर करना हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, जिसकी वीडियो की लिंक और ज्ञानयज्ञ द्वारा बनाई गई सभी वीडियोस जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टेली ERP 9 इत्यादि की प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए हम आपको योनो ऐप की सहायता से मोबाइल रिचार्ज करना बता देते हैं। उसके लिए अपने एंड्रॉइड फोन में दिखाई दे रही एप्स में से योनो को टच कीजिए। योनो ऐप में लॉगिन करने के दो तरीके हैं, पहला एमपिन द्वारा और दूसरा यूजर आईडी द्वारा। यूजर आईडी ऑप्शन पर टच करके आप यूजर आईडी वाले लॉगिन पेज पर जा सकते हैं। यहाँ पर अपना इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और यहाँ पर अपना इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड डालकर लॉगिन पर टच करें। हम एमपिन का उपयोग करके लॉगिन करना चाहते हैं, इसलिए इस ऑप्शन को टच करके एमपिन वाले लॉगिन पेज पर चलते हैं। अब यहाँ पर अपना 6 अंकों का एमपिन डालिए। एमपिन डालते ही आप इस ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने पर आपको यहाँ कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। इनमें से अकाउंट्स के अंतर्गत दिखाई दे रहे योनो पे ऑप्शन पर टच करें। योनो पे ऑप्शन पर टच करते ही योनो पे वाला पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। इन ऑप्शंस के बारे में हम आगे की कुछ वीडियोस में बताएंगे। क्योंकि अभी हम मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं, इसलिए हम क्विक पेमेंट के नीचे दिखाई दे रहे प्रीपेड मोबाइल ऑप्शन पर टच करेंगे। प्रीपेड मोबाइल ऑप्शन पर टच करते ही बिल पेमेंट वाला पेज ओपन होगा। इस पेज में नीचे दिखाई दे रहे ऑप्शंस में से रिचार्ज ऑप्शन पर टच करें। उसे टच करते ही ये पेज ओपन होगा। यहाँ सबसे पहले आपको ऑपरेटर सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए सिलेक्ट योर ऑपरेटर पर टच करके ओपन हुए मेन्यू में से ऑपरेटर सिलेक्ट करें। ऑपरेटर सिलेक्ट करने के बाद मोबाइल नंबर टाइप करें। इसके बाद यहाँ पर अमाउंट डालें। आप चाहें तो अमाउंट मैन्युअली टाइप कर सकते हैं या फिर व्यू प्लान्स ऑप्शन की सहायता से आपके द्वारा सिलेक्टेड ऑपरेटर के अलग अलग रिचार्ज प्लान्स भी आप देख सकते हैं। हम व्यू प्लान्स पर टच कर रहे हैं। व्यू प्लान्स पर टच करते ही आपके ऑपरेटर से संबंधित जितने भी रिचार्ज प्लान्स होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। लेफ्ट राइट एरोज को टच करके आप लेफ्ट राइट पेज पर जा सकते हैं। हम पेज बदलकर अन्य प्लान्स भी देख लेते हैं। आप इनमें से अपने अनुसार कोई भी प्लान चुन सकते हैं। हम ₹50 वाला रिचार्ज करवाना चाहते हैं तो हम ₹50 वाले प्लान पर टच कर रहे हैं। इसके बाद ट्रांजेक्शन अकाउंट का ऑप्शन है। इसमें पहले से ही एक अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है। यदि आपके एक से ज्यादा खाते होंगे तो वो यहाँ टच करते ही आपको दिखाई पड़ेंगे। आप उनमें से जिस अकाउंट से रिचार्ज करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। चूंकि हमारा एक ही अकाउंट है जो कि यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और वो पहले से ही सिलेक्टेड है। अब हम फोन के बैक ऑप्शन की सहायता से पीछे वाली स्क्रीन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन पर टच करेंगे। डिटेल्स वेरीफाई करके कन्फर्म पर टच करेंगे। कन्फर्म पर टच करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पर डालें और सबमिट पर टच कर दें। सबमिट पर टच करते ही रिचार्ज हो जाएगा और कुछ इस तरह का मैसेज दिखाई पड़ेगा। SBI योनो ऐप की इस वीडियो में आपने जाना मोबाइल रिचार्ज करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। हमारी नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके